अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू टीम में। और आज हम एक टूथपेस्ट के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो ये जो है ये हाइडेंट प्रो टूथपेस्ट है, सेल्फ डिफेंस फॉर सेंसिटिव टीथ। जी हाँ, ये खास करके सेंसिटिव टीथ के लिए ही है। मैं फ्रेंकली आपको बता रही हूँ कि ये मेरी मम्मी का टूथपेस्ट है और ये कल ही जाकर उन्होंने लिया है, क्योंकि उनकी दांतों में झनझनाहट हो रही थी, गर्म छोड़िए नॉर्मल खाना भी नहीं खा पा रही थी, तो इसलिए डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया है। तो इसे इस्तेमाल किया है बस एक ही दिन हुआ है, कल रात में किया था एंड आज सुबह किया है, आज दोपहर किया है, क्योंकि इसे 3 टाइम इस्तेमाल करने बोला है। तो इसके बारे में ज़रूर मैं बताऊँगी, पहले देख लेते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। देखिए, इसका नेट क्वान्टिटी 70 ग्राम्स है, 70 ग्राम, और एक ग्रीन साइन ये दर्शाता है कि जो वेज है वो इसे बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन वेज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रेड होता तो जो वेज है वो इसे नहीं करना होता। स्टोर एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो बेसिकली है इसमें जैसा नॉर्मल टूथपेस्ट होता है उससे थोड़ा अलग किस्म से आपको इस्तेमाल करना है इसे। जो मेरे मम्मी के डॉक्टर है उन्होंने बोला है 3 टाइम्स खाने के बाद इसको दांतों में उंगली से लगाना है। जी हाँ, उंगली से लगा के, क्योंकि देखिए सेंसिटिव दांतों में आप डायरेक्ट ब्रश इस्तेमाल करें तो वो और ज़्यादा भड़क सकता है। कहते हैं ना कि द बेस्ट वे टू हील अ वुंड इज़ टू रिलीज इट, रिलीव इट, मतलब उसको छोड़ देना चाहिए, उसको हमें हाथ नहीं देना चाहिए। ठीक वैसे ही उसको आप ब्रश से करेंगे तो और ज़्यादा वो बढ़ सकता है, इसलिए उंगली से उसको हल्के से करें दांतों में, दोनों ऊपर नीचे आपके जॉ में। उसके बाद जो बेबी ब्रश होता है, सॉफ्ट टूथ ब्रश, एकदम बेबी ब्रश सॉफ्ट, उससे आपको हल्के से मसाज करना है। हल्के से मसाज करने के बाद एक कुला करने का दिया हुआ है, उससे आप कुला करके अपने माउथ को रिंस कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है जो डॉक्टर ने मम्मी को बताया है। तो इसे इस्तेमाल करने हुए जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 ही वक्त हुआ है, तो अभी तो उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर हाँ वो बता रही है कि थोड़ा जो झनझनाहट है वो थोड़ा कम होने के तादाद पे है। और डॉक्टर ने इसका जो इस्तेमाल करने का जो टाइम पीरियड दिया है वो 15 दिन है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ता। तो अभी तो और भी करना बाकी है ना, सिर्फ 3 वक्त करने से उन्हें हल्का आराम हुआ है। तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि ये पूरा इस्तेमाल करने पर, जो टाइम पीरियड है उसे कवर करने पर, उनका दांत पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो आप भी अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ताकि जो हमारे बाकी व्यूअर्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनकी भी हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।